और दूसरी जगहों पे ऐसा हुआ है। तो इन वन ऑफ माय आर्टिकल्स इन अर्ली ऑफ द ऑफ मार्च आई हाइपोथाइज दैट कि इसका इम्पैक्ट सभी जगह एक समान नहीं है। जहां पे इसको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल रही हैं, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मींस द टेम्परेचर मस्ट बी बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस से जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे इसके स्प्रेड आउट होने की संभावना ज्यादा थी। और अगर हम देखें तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये जो इटली है, स्पेन है, जापान है, दिस फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, एंड इवन द यूनाइटेड दोज प्रोविंसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच आर लोकेटेड नॉर्थ ऑफ दिस 30 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, दे ऑल आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस वायरस। This is not the only virus we could see in this map, that there are several viruses, several epidemics, diarrhea से लेकर के cholera और फिर बाद में Ebola, Nipah, जिसके बारे में डॉक्टर विकास सिंह अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में काफी बता रहे थे कि किस तरह से अलग अलग हिस्सों में, और हम देख रहे हैं कि दुनिया के हर हिस्से में वायरस उसका epidemics का या pandemics का attacks हुआ है और उनके द्वारा वो हिस्से प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड मूवमेंट पॉज मोड पे आ गई है। आज का जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, हमारे सबसे वर्स्ट जो केसेस हैं वी कुड सी हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे 7.5 लाख के लगभग केसेस हैं और 40,000 के लगभग उनके यहाँ डेथ होने जा रही है। स्पेन सेकेंड नंबर पे है और इसके बाद इटली है। इटली में डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट है, उनके यहाँ बढ़ने की दर काफी धीमी हुई है। इटली और स्पेन से सटा हुआ ही फ्रांस है, फिर जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है। ये सब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे या तो नॉर्डिक पॉपुलेशन है या कॉकेसाइज पॉपुलेशन है। तो इसके कारण भी मैंने ये अपने उस लेक्चर अपने उस आर्टिकल में शेयर किया था कि जो हमारी जो मेडिटेरियन पॉपुलेशन है, जो निग्रो पॉपुलेशन है, जो निग्रेटो पॉपुलेशन है, जो द्रविडियन पॉपुलेशन है, जो मंगोलाइड पॉपुलेशन है, दे गेट लेस अफेक्टेड बाय दिस वायरस। और मैं अभी भी उस पे आई डोंट हैव एनी साइंटिफिक कंक्लूजन रिगार्डिंग दैट, बट मैं मुझे अभी भी ये कम से कम ये पैटर्न यही शो कर रहा है कि इस ये एरिया ज्यादा उससे प्रभावित हो रहे हैं जहाँ पे कॉकेसिस या नॉर्डिक रेस के लोग रहते हैं, और वो एरियाज में इसका स्प्रेड आउट या इसका ब्रोक आउट कम है। जहां पे मिक्स पॉपुलेशन रहती है या जहां डोमिनेंस है निग्रो का, निग्रीटो का, मंगोलाइड का या द्रविडियन पॉपुलेशन का। अब इवन हम अगर इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है डन एक्सलेंट। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट है, बांग्लादेश, जो पाकिस्तान, जिसको हमारे यहाँ हमको लगता है कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम बेहद खराब है, जो है भी, लेकिन अभी भी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में लगभग 8,000 के लगभग इसके केसेस हैं, वायरस के केसेस हैं, एंड द कैजुअलिटी इज लेस देन 400। तो काफी अच्छा उन्होंने मैनेजमेंट किया है। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि इस पूरे रीजन में जो पॉपुलेशन का मिक्स कल्चर है, जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इज सपोर्टिंग अस टू फाइट फ्रॉम दिस वायरस। मेरा पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पे है कि हम सेम टाइम पे दो क्राइसिस से स्ट्रगल कर रहे हैं, दो क्राइसिस से जूझ रहे हैं। पहला है COVID-19, जिसके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है। सेकंड इज क्लाइमेट चेंज। इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं जबकि बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस वायरस का इमरजेंस भी हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है और आने वाले समय में भी कुछ नए प्रकार के वायरस म्यूटेंट होकर के आएंगे हमारे सामने। और हम अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के रूप में नहीं देखेंगे, इसको ब्लॉक्स में टुकड़े टुकड़े में तोड़ करके देखेंगे तो हम कमजोर होंगे। हमको क्लाइमेट चेंज के साथ ही इसको देखना होगा। मुझे बात याद आ रही है इंदिरा गांधी जी की 1972 में, जब स्टॉकहोम में क्लाइमेट को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के जब मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट पॉल्यूटेंट। तो अगर गरीब रहेंगे जहां पे गरीबी रहेगी, तो निस्संदेह रूप से वो प्रदूषक का काम करेंगे और क्लाइमेट को फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर के हमारे सामने ये आर्गुमेंट का पॉइंट है। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर हमारा कैसे रिस्पॉन्स करे, क्या हम सोशल वेलबींग की तरफ जा रहे हैं, क्या हमारा हेल्थ सिस्टम, खासकर अगर हम लोग बात करें अभी इंडिया, क्या है एग्जाम्पल है इंडिया के में
कुछ दिनों पहले तक बहुत चर्चा थी आयुष्मान योजना की, कि आयुष्मान योजना का कार्ड बन गया है और उस कार्ड के द्वारा हर गरीब परिवार 5 लाख तक का सालाना हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है. बट दिस पेंडेमिक ब्रोक वेरियस मिथ, ये इसने उस हमारी भ्रांति को तोड़ करके रख दिया. हमारे पास अगर हॉस्पिटल होंगे तब उन कार्ड का कुछ उपयोग होगा, अगर हमारे पास हॉस्पिटल ही नहीं होंगे तो हम उस कार्ड का करेंगे क्या? अगर आप 5 लाख के कार्ड दे रहे हैं तो कम से कम उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए वैसे हॉस्पिटल होने चाहिए, और हॉस्पिटल्स के एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी अगर हम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर्स पे छोड़ते जाएंगे तो दे आर ओनली फॉर देयर प्रॉफिट. तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को एजुकेशन का, हेल्थ का जैसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स हैं उनसे अपना हाथ नहीं खींचना चाहिए और उनमें प्रॉपर मॉनिटरिंग उसकी हमेशा होनी चाहिए. तो थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में डॉक्टर अमितेंद्र सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि हम मास कंजम्पशन पे बहुत जोर देते हैं, ये हमारी आदत बन गई है. इवन मेनी ऑफ अस हैविंग 2 or 3 मोबाइल्स, जबकि हमको बात किसी एक से ही करनी है लेकिन वो हमारे स्टेटस सिंबल है. जूते हमारे पास दर्जनों पड़े होते हैं, कपड़े हमको कोई जरूरत नहीं होती है, तब भी होली आएगी तो 2 कपड़े, दिवाली आएगी तो 4 कपड़े, न्यू ईयर आएगा तो कुछ कपड़े, और इस तरह से हम लगातार कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं. उस कंजम्पशन को पे किसको करना होगा? तो ऑब्वियसली ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द प्लेनेट अर्थ, हमारी अर्थ से ही उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जिससे हम अपने कार बनाएंगे, जिससे हम अपने कपड़े बनाएंगे, जिससे हम अपना फूड बनाएंगे. तो इसको लेकर के अगर हम मास कंजम्पशन को कम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम क्लाइमेट चेंज के पैटर्न को नहीं रोक पाएंगे और क्लाइमेट चेंज को स्टॉल हर्ट नहीं कर पाएंगे. फिर हमारा ब्रदरहुड और कोऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिविजुअल सोसाइटी में, अर्बनाइज्ड सोसाइटी में कमजोर पड़ता जा रहा था, और जिसको एकाएक इस बीमारी ने ला करके फिर से हमको याद दिला दिया है कि हमें जरूरी है कि हम ब्रदरहुड पे फोकस करें और कोऑपरेशन करें, साथ ही साथ कोएग्जिस्टेंस की बात करें. सह अस्तित्व, जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, उनकी जरूरतों को समझ पाएंगे, तभी हम इस तरह की आपदाओं से निपटने में सक्षम हो पाएंगे. तो हमारा ये ग्लोबल पैटर्न कैसे बदल रहा है, तो हम देखते हैं कि WHO है या वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ये सब इस बीमारी के दौरान इन सब की असलियत खुल करके सामने आ रही है. कई सारे लोग हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि WHO ने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया. वर्ल्ड बैंक उन देश को तो पैसा दे रहा है इस आपदा के समय, जो उसको रीपे करने में सक्षम है, पर सपोज कीजिए कि आज तो ये बीमारी स्पेन में है या अमेरिका में है या इटली में है या फ्रांस में है या ब्रिटेन में है. अभी साउथ ऑफ द इक्वेटर के जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, चाड है, नाइजर है, जो और इस तरह के बहुत सारे गरीब देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, अगर ये बीमारी वहां तक पहुंच गई तब कितनी भयानक मौतें होंगे. और वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता. तो पावर एसिमेट्री भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और इसकी तरफ देखना होगा कि रीजनल बैलेंस कैसा है. फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जो अपने अपने मुनाफे के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, सिर्फ उनका ध्येय में मुनाफा ही रहता है, जो क्लाइमेट को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सेकेंडरी प्रायोरिटी पर रखते हैं, ये चुनौतियां भी हमारे सामने उभर करके आई हैं. फिर इस दौरान ये जो लॉकडाउन्स हुए हैं, इन लॉकडाउन्स के दौरान हम देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है या और भी जो गैसेस हैं उनके एमिशन में कमी आई है. कुछ रिसर्चेज बता रहे हैं कि यूरोप में 40-60% तक कमी आई है, चाइना में लगभग 30% तक कमी आई है, और जो ट्रैफिक मूवमेंट्स है इंडिया का वो 90% तक कम हुआ है. तो इनके कारण जब एमिशंस कम हो रहे हैं तो ये भी एक नया नजरिया सामने आ रहा है कि हम बहुत सारे मूवमेंट के बावजूद अपनी धरती को बचाए रखने में, अपने वर्ल्ड को बचाए रखने में सक्षम थे. हमको जरूरत नहीं थी इतने सारे फाइटर प्लेन्स उड़ाने के, इतने सारे जेट वेज उड़ाने के और इतने सारे शिप्स चलाने की जो हम अननेसेसरी चला रहे थे. फिर पावर सिमेट्री बदल रही है वर्ल्ड की. अमेरिका जो अब तक वर्ल्ड लीडर हुआ करता था, उसने हर बीमारी के आउटब्रेक में बढ़ चढ़ करके या कम से कम लीडिंग रोल प्ले किया था, यहाँ पे वो पिछड़ता हुआ दिख रहा है और लीड ले रहा है चाइना. चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज को, जैसे श्रीलंका को उसने पैसा दिया है, इटली में उसने सामान पहुंचाया है, मास्क, वेंटिलेटर्स एक्सेट्रा. इवन अमेरिका को उसने सैनिटाइजर और वेंटिलेटर सप्लाई किए हैं. आपने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग धमकी भरे अंदाज में
हमसे हाइड्रोक्लोरोक्विन मांग रहे थे जो मलेरिया की दवा है, जिससे उम्मीद थी कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। और साउथ कोरिया जो एकदम चाइना के बगल में है, उसने अपने यहाँ किस तरह से इसको, इस बीमारी को प्रिवेंट कर दिया, फैलने नहीं दिया, उनको रोक दिया है, और साथ ही साथ वो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके लोगों को हेल्प भी कर रहा है, अदर कंट्रीज को जो अभी ज्यादा वल्नरेबल है उनको हेल्प कर रहा है इस आउटब्रेक को ब्रेक करने में, रोकने में। फिर सोशल वेलबींग का कॉन्सेप्ट अभी हमारे सामने ज्यादा निखर करके सामने आ रहा है, और ये भी दिख रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और लोकल डेवलपमेंट, जिस तरह से हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, बिहार के मजदूर, उत्तर प्रदेश के मजदूर तमिलनाडु में फंस गए हैं, या गुजरात में फंस गए हैं, या दिल्ली में फंस गए हैं, और वो ये इस नीड की ओर इशारा करते हैं कि अगर हमारा लोकल डेवलपमेंट हुआ होता तो हमारे सामने ये चुनौती नहीं आती कि हमारे अपने अपने मजदूर फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों पे। और अभी मैं डॉक्टर अमितेंद्र सिंह की बात पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि सबको हम भोजन दे पा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो खासकर मजदूर वर्ग जो शहरों में फंस गए हैं, तो उन तक सप्लाई नहीं हो पा रही है, कुछ चैंस टूट रहे हैं, जहां पे पहले शुरुआत में तो सरकार ने ठीक काम किया, लेकिन अब सभी जगहों पे सामान्य रूप से भोजन और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूं। फिर इस लॉकआउट के या इस बीमारी के आउटकम्स क्या क्या है, तो जो हमारा हेल्थ कंसल्टेशन हुआ है ये ऑनलाइन की तरफ बढ़ा है, खासकर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी काफी तेजी से आगे बढ़ी है, ऑनलाइन ट्रेड आगे वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इंश्योरेंस सेक्टर जो कि डर का बिजनेस है, अब स्वाभाविक रूप से उसकी स्वेलिंग होगी, वो ज्यादा फलेगा फूलेगा, और क्योंकि हम अब ज्यादा डरेंगे बीमारियों से अपने परिवार को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर के। ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के ये इस बीमारी ने एक नया उनको ब्रेक दिया है, एक नया पॉइंट ऑफ रिजुविनेशन है ये। इससे पहले भी हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन पहली बार है कि हम बाध्य हुए हैं ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट करने के लिए। दिस वेबिनार इज इटसेल्फ एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ दैट। फिर ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग को लेकर के, जिसको हम प्राइवेसी को लेकर के काफी कॉन्शियस रहते थे कि हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, अभी आरोग्य ऐप जैसे जो एप्स आए हैं वो, उससे हमारी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा सकती है, और ये एक चेंज आएगा आने वाले समय में कि हम, हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी प्राइवेसी को ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, या हेल्थ को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। फिर अभी वर्ल्ड जिस तरह से पॉज मोड में है और रिवाइव कर रहा है हमारा क्लाइमेट, तो ये भी हमारे पास एक अवसर है कि हम कैसे अपनी दुनिया को बदल पाएंगे, थोड़ा सोच लें, क्या हमारे पास ये अल्टरनेटिव नहीं होगा कि हम हर साल कुछ दिनों के लिए पूरी दुनिया को ऐसे ही रोक लें, ताकि जो कार्बन एमिशन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम उसको रोक सकें। थैंक यू फॉर दिस, दिस इज माय प्रेजेंटेशन। इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, प्लीज सर, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर म्यूटेड बाय मी, सो एट द इन द लास्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स विल बी अनम्यूटेड एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर, योर प्रेजेंटेशन वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंक्लूड्स ऑल द मैटर्स दैट वी वांटेड। थैंक यू सो मच सर। सो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑल द पार्टिसिपेंट्स for the discussion, and I'm going to unmute all the participants, and it is open for the discussion session. Santan sir, please screen sharing band kar de. Okay sir, thank you. I have unmuted all the participants. कोई भी participant आपके पास अगर कोई भी query है तो आप पूछ सकते हैं, आपको unmute कर दिया गया है, आपकी आवाज सब लोग सुनेंगे, आप अपना question पूछ सकते हैं, हमारे पास experts हैं आपके जवाब देने के लिए। Any question from anyone? Thank you all. I have a question. All the experts are have spoken very nicely and very informative lectures. I have a question from Madam, the two nutritionists.
करिए जल्दी रिफ्रेश करो।